महामहिम राज्यपाल महोदय का जिस तरीके से अपमान महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार ने किया है, हम इसकी भत्सना और निंदा करते हैं। राज्यपाल महोदय ये संवैधानिक पद पर है तो ये व्यक्ति इस नाते उसको न देखने की आवश्यकता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना ये आवश्यकता राज्य सरकार के काम की है। माननीय राज्यपाल महोदय एयरपोर्ट पहुँचे, फ्लाइट में गए, उनको उतार दिया गया। जिस भावना से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने राज्यपाल महोदय को हवाई अड्डे से उतार दिया है, उस सरकार का घमंड अब महाराष्ट्र की जनता उतारेगी, ये हमारा कहना है। ये संवैधानिक पद का अपमान है और विशेष रूप से इस बात की हमें चिंता ज़्यादा है कि इस प्रकार के कार्रवाई से और अपमर्द और अपमान से महाराष्ट्र की बदनामी पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने की है। ये अपमर्द और अपमान महाराष्ट्र की बदनाम पूरे देश में करने वाला है और इसकी ज़्यादा चिंता है। महाराष्ट्र से जहाँ पर भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ और जिन्होंने संविधान प्रथा परंपरा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में और संवैधानिक पद के गरिमा के बारे में एक बार नहीं लगातार लिखा भी है, कहा भी है और निर्देश भी दिए है, उस महाराष्ट्र में बाबा साहब के जन्म के होने के बाद भी इस प्रकार का संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान होता है तो बाबा साहब का भी अपमान, अंबेडकर जी का भी अपमान करने का काम ये ठाकरे सरकार ने किया है, ये हमारा कहना है। जो भी इसमें दोषी है वो सरकार में बैठे हुए मंत्री हो या सरकार के प्रशासन में काम करने वाले लोग हो, उसके ऊपर उचित कार्रवाई बहुत जल्द करना ये हमारी मांग रहेगी। और इस प्रकार की महाराष्ट्र की बदनामी ठाकरे सरकार क्यों कर रही है इसको हम जनता तक लेकर जाएंगे। बदले की भावनाएं सत्ता मर बैठे हुए लोग कर नहीं सकते। जो सत्ता में संविधान की शपथ लेकर आते हैं वो बदले की भावना की राजनीति करना यानी राज्य का और संविधान पर बैठे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अधपतन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका जवाब दे कि महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान का अधपतन क्यों कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।